गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर जो कि कोरियन के थ्रू प्लान किया गया है। ये एक प्रॉपर प्लान ट्रिप है, तो देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कहाँ जाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि कोरिया में जो फॉरनर हैं उनको इतना ज़्यादा कोरिया का पता नहीं होता। कोरियन गवर्नमेंट ने जितने भी फॉरनर होते हैं उनके लिए एक सेंटर बनाया होता है जो कि आपको पूरे कोरिया के जो अच्छी अच्छी जगहें हैं वहाँ पर विजिट करवाते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ पर हेड अपना पे करना होता है, उसके बाद आपकी एंट्री, आपका खाना पीना, मुस्लिम्स के लिए वो स्पेशली हलाल फूड का मतलब अरेंज करते हैं, तो मतलब सारी सरदर्दी उनकी होती है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना होता, आप लोगों ने जस्ट पहुंचना होता है और एंजॉय करना होता है। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर जो इनके मैनेजर थे वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, आपने वहाँ पर ये चीज़ें अलाउ हैं और ये नहीं अलाउ, तो ये पहन के जाना। तो ये सारी बातें सुनने के बाद हम लोग गए वाटर पार्क के अंदर। तो बाहर हमारी एंट्री वगैरह उन्होंने ही करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने जाना होता है और तो यहाँ से लेनी है लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट लेने के बाद जो है जिस मैनेजर ने हमें यहाँ पर लाया है, जिन्होंने हमारी एंट्री करवाई है, एंट्री करवाने के बाद उन्होंने हमें बताया कि भाई अब अपना अपना रास्ता देखो, अपना अपना इंजॉय करो, ठीक है। वो लोग अलग निकल गए और हम सब जितने भी थे सब अलग अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारा काम था एंट्री करवाना, एंट्री हो चुकी है और जाने का जो है वो सबका अपना अपना था। जब आप तंग पड़े, जब आपके बच्चे रोएं, जब आपका दिल भर जाए पानी से, तो आप वापस जा सकते हैं। वैसे इनकी टाइमिंग रात 10 बजे तक थी, बट हम लोग जो है 4 बजे तक निकल आए थे वहाँ से। तो खैर यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने बच्चों को खुला छोड़ दिया कि यार मतलब ये अपनी मर्ज़ी से खेल। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बच्चे हैं शायद सभी सेम है कि पानी में ये इतना ज़्यादा खुश रहती हैं, इतना ज़्यादा खुश रहती हैं कि अगर हम इनको रात 10 बजे भी यहाँ से लेके जाते ना तो इन्होंने नहीं जाना था पक्का। बट ये था कि मुझे ये टेंशन थी कि यार ये बीमार ना हो जाए पानी की वजह से। बट ये था कि जितने भी स्विमिंग पूल थे इस पार्क के अंदर, उन सब स्विमिंग पूल के अंदर का टेम्परेचर डिफरेंट था। मतलब कि हर पूल का जो टेम्परेचर है वो उसके ऊपर मेंशन किया गया था कि यार इस पूल का टेम्परेचर जो है इतना है, इस पूल का टेम्परेचर इतना है, जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करता है। तो यहाँ पर अमल भी आ चुकी है भाई हमारे साथ हेल्प करवाने, तो आप लोगों ने इसका भी वॉइस ओवर सुनना है और इसको इग्नोर करना है। तो खैर इस पार्क में ये था कि मतलब बच्चों के लिए डिफरेंट जगह पर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई थी और उम्मे का एक ही काम था, एक पूल से भाग के दूसरे पूल में जाना। और मुझे यही टेंशन थी यार ये गिरगी ना तो इसको बहुत बुरी चोट लगनी है। और ये वैसे भी मतलब ऐसा है ना, हमें फातिमा के साथ तो एक कहते हैं ना कि बैड लक है, कहीं भी हम जाएं इसको छोटी मोटी चोट, या अल्लाह का शुक्र अभी तक छोटी मोटी है, बट इसको कहीं ना कहीं चोट ज़रूर लगती है। और ये काम भी वही करती है जो इसके करने वाले नहीं होते, मतलब हर डेंजरस चीज़ और हर वो चीज़ जो मतलब बच्चों के लिए नहीं बनी हुई होती इसने वही करनी होती और फिर बात भी नहीं माननी होती। तो गरीब भाई ये पहली पहली बेटी थी हमारी और इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लाड किया और उस लाड में ना अभी हो चुकी है बहुत ज़्यादा स्टबन। मतलब किसी भी बात का इसने जो है ना, जब तक हम इसको पूरा कन्वेंस नहीं करेंगे तो इसने मेरी बात नहीं मानी। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने, क्योंकि पानी में मैंने सुना है कि जितनी देर आप पानी में रहते हो उसके बाद आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मतलब पहले तो हम लोग काफ़ी देर वेट करते रहे कि हमारी बारी आए, उसके बाद जो है ना कोई टेबल खाली हुआ तो हम लोग जाके बैठे। और यहाँ पर आप इसके आप ड्रामे देखें कि ये कर क्या रही है, मतलब हर उल्टा काम है ना जो इसने करना होता है। एक बात और कि मतलब जो जिस मुल्क का बंदा होता है ना उसको जितनी नॉलेज होती है वो किसी फॉरनर को या किसी दूसरे तीसरे बंदे को नहीं आ सकती। मतलब यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर जितने भी सिटिंग एरिया थे, रेस्ट एरिया थे, वो सारे मतलब बुक हुए थे, वो पहले से बुक करवाने पड़ते हैं। तो उसके बाद हमें ये झोंपड़ियाँ दिखी, मतलब ये जो इनका गाँव का कल्चर है ना, ये उस चीज़ से इन्होंने जो है इंस्पायर होकर बनाई हुई थी। तो ये काफ़ी सुकून वाली जगह थी, हम लोगों ने यहाँ किया थोड़ा सा रेस्ट। और आप देखेंगे यहाँ के कोरियन ने ना मतलब अपना पूरा घर बनाया हुआ है, हर जगह कपड़े फैलाए हुए हैं। तो यही बात होती है कि अपने मुल्क का ये मज़ा आता है कि आप वहाँ पर जिस तरीके से मर्जी रहो वो आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, आप वहाँ पर कुछ भी कर रहे हो आप कंफर्टेबल रहते हो। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा मिस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर होती है हमारे ब्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।